रिवाज है। ओके थैंक यू मेरे लाल। घर में कोई फंक्शन है क्या? हैप्पी बर्थडे। टोटली लॉस्ट। थैंक यू सोशल। थैंक यू। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसे सालों से गांव वाले एक त्योहार की तरह मनाते आए हैं। एक किसान से अगर उसकी मेहनत से उगाई फसल प्यार से मांगोगे तो वो दान कर सकता है, लेकिन गांव की 150 एकड़ उपजाऊ जमीन अगर आप लोग अपने स्वार्थ के लिए मांगोगे तो वो गलत है। सुना है तुम्हारे गांव में अच्छी कीमत में मिलती है, वो कीमत हम चुका देंगे, पहले सौदा तो डन करो। ए, तुम किससे बात कर रहे हो, कुछ पता है? तुम्हें पता है ना हमें किसने भेजा है? वीर भाई ने। जो कहते हैं वो करो, तभी शायद उनके मन में तुम्हारे लिए जो दुश्मनी है ना वो थोड़ी कम होगी। ऐसा सौदा करके अगर दुश्मनी कम हो तो मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं कि अपने किसानों की जिंदगी का सौदा करूं। उनकी जिंदगी की जो भी कीमत हम दे देंगे। अगर एक इंसान का हाथ काट दो फिर उसके सामने कुछ खाने को रख दो तो क्या फायदा? मेहनत एक किसान को मांग के खाने पे मजबूर मत। हाँ, लेकिन वो ये बहुत दूर से आए हैं, कुछ जलपान का इंतजाम करो। अब तक हाथ और मुंह पर ताला लगाकर चुप बैठे ही थे ना, वैसे ही बैठे रहो। ये रॉब कहां से लेकर आए हो? ये बात अगर भाई को पता चल गई ना तो जो लोग तुम्हें आज भगवान मानते हैं उन्हीं के हाथों तुम्हारा कत्ल करवाएंगे। आप लोग बात करने आए थे ना, बात खत्म हो चुकी है, अब जाइए। उस घर के बड़े लोगों पर विश्वास करके पूरा गांव हिम्मत से जी रहा है। 4-6 मुष्टंडों को लाकर ऐसे इंसान को धमकाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उनकी शराफत है कि तुम लोग इस गांव की सरहद पार करके उनकी चौखट पर आकर जिंदा जा रहे हो। 27 साल तक एक इंसाफ था, लेकिन आज इंसाफ बदल गया है। जाकर उससे कहो कि उनका बेटा आ गया, बेटा आ गया। जाकर बोलो। शिव शिव जय जय शंकर नंदन शिव रुद्र मूर्ति जय जय गण 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 शिव 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 जय जय शंकर नंदन शिव रुद्र मूर्ति जय 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 वीर रुद्राय जय सूर रुद्राय जय धीर रुद्राय जय गौर रुद्राय जय काल रुद्राय जय महारुद्राय जय। इस साल तक हम अपने भाई के सिद्धांतों के खातिर सिर झुकाते आ रहे हैं। हमें इंतजार था कि हमारे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए एक जाबाज शेर कब आएगा,
हमारा एक खून 6 फीट का जाबाज शेर बनकर आएगा, ये हमें पता नहीं था। ये बात किसी भी सूरत में भाई को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मेरी जान ले लेंगे। डर कर बिल में छुपकर बैठने वालों में से नहीं है वो आदिशेष। अगर हमने लफड़े को आगे बढ़ाया तो वो मरने को भी तैयार है और मारने को भी। इन्हीं लोगों की वजह से आदिशेष किसी को कुछ नहीं समझता। सुबह होने से पहले सब राख हो जाएगा, फिर देखते हैं वो क्या करता है।